अब्बास हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज चल रहे परिजन ग्रामवासियों के साथ नूह थाना पहुंचे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के 3 दिन के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। इस दौरान उन्होंने पुलिस से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है और चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार ना किया गया तो गांव के लोग रोड जाम करेंगे। मृतक के पिता का कहना है कि अब्बास की 29 मार्च को घासेडा गांव में सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि आरोपी खुलेआम सोशल मीडिया पर खुद को बेगुनाह और दूसरों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले में जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दे रही है। साहब, ये बताओ कि जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, वो अभी सोशल मीडिया में अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, क्या है इस बारे में क्या कहेंगे? ये सब अपने बचाव की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि पुलिस की इसमें लापरवाही है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे एक आदमी आ रहा है और सारी बातें कर रहा है लेकिन गिरफ्त से बाहर है, तो ये पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि सारी लोकेशन उनके सामने है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो बेगुनाह नहीं है, हकीकत में मुजरिम है, उनको पकड़ना चाहिए। हम पुलिस से अपील करते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द सुलझाए और उनको गिरफ्तार करें और हमें इंसाफ चाहिए। तो सरकार से भी अपील करते हैं, हमें इस मामले को जल्द अज जल्द सुलझाए। तो क्या परिवार पे क्या बीत रही होगी? परिवार इस वक्त बहुत गम में है और हकीकत बात है, होना भी चाहिए। एक ऐसा हादसा हुआ है,